हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग लाइव सेशन जो है वो आज का शुरू कर दें। चलिए, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, मेरी आवाज़ करेक्ट आ रही है गाइस। तो देखिए गाइस, टुडे इज 31st of July 2018 है और इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस की। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज इमरजेंसी के दौरान मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना पड़ा आज, और उस कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस गाइज। और कल से जो है प्रॉपर टाइम पे आपको, यानी कि सुबह 7:30 बजे आपको न्यूज़ जो है वो प्रॉपर टाइम पे मिलेगी। एंड गाइज, देखिए इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग वही न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग जो पहली बार हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए मैं आपको पहले से बता दूं कि आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस ही प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस, दिस इज मी, माय नेम इज कमलाक्ष झा, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट मी एट दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज kamlakshjha@gmail.com। ऑलराइट, सो गाइस देखिए, अब फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हम लोग के लेक्चर की। सो देखिए गाइस, आज के द हिंदू में हम लोग फ्रंट पेज को डिस्कस करेंगे, नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देखने वाले हैं गाइस, बिजनेस न्यूज देखेंगे, साइंस एंड टेक न्यूज नहीं देखने वाले हैं गाइस, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी पेज नहीं है आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस द हिंदू न्यूज पेपर में। और स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे गाइस, और लाइफ वाले न्यूज के अंदर गाइस कोई भी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे आज की डेट के एग्जाम, आज की डेट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस न्यूज को भी गाइस हम लोग अवॉइड करेंगे और इस पेज को भी। सो गाइस देखिए, इसके अलावा जैसे कि ये लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन के दौरान आप लोग को काफी सारे डाउट्स जो है वो आएंगे, तो मैं आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दूं गाइस कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, और जब भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पेन और पेपर लेके लिख लीजिएगा उस डाउट को। और हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग लास्ट में एक डाउट सेशन रखेंगे जहां पर आप अपने डाउट्स को जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने बेसिकली ट्यूटोरियल के बारे में बात करते हैं, आज के हिंदू न्यूज एनालिसिस में क्या हुआ है तो वो देख लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, फ्रंट पेज न्यूज से डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो ये बात की जा रही है गाइस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के बारे में, एनआरसी के बारे में गाइस, जिसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं और हम लोग को ऑलरेडी पता है गाइस कि असम के अंदर गाइस जो सिचुएशन चल रही थी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर गाइस, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए असम गवर्नमेंट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को लॉन्च करने की बात करी थी। और गाइस, इसका ड्राफ्ट जो है वो मंडे को फिनिश हो चुका है, और इसका ड्राफ्ट जो है वो रिलीज किया है गाइस गुवाहाटी में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पहली चीज, ये चीज नोट डाउन करिएगा गाइस। अब थोड़ा सा डिटेल में इस एनआरसी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो इस एनआरसी के द्वारा गाइस क्या हो रहा था कि असम में रहने वाले जितने भी सिटीजंस हैं गाइस, तो उनके डेटा को गाइस क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा था। और क्रॉस वेरीफाई क्यों किया जा रहा था गाइस, बिकॉज कि ये पता लगाया जा रहा था कि उनमें से कोई ऐसे सिटीजन तो नहीं है जो बांग्लादेश से यहां पर एंटर हुए हुए हैं, या फिर कोई इलीगल माइग्रेंट तो नहीं, यानी कि कोई दूसरे देश से यहां पर रह तो नहीं रहा है विदाउट एनी वैलिड आईडी प्रूफ। तो देखिए गाइस, आईडी प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी सिटीजन के पास अगर आईडी प्रूफ नहीं मिल रही है इंडिया की, तो उनको वापस जो है वो डिपोर्ट करने की बात की गई थी इसके द्वारा गाइस। ये बेसिकली 5 साल की एक्सरसाइज थी जिसमें लागत लगी थी 1,220 करोड़ रुपीज की। और गाइस, बोला ये जा रहा है कि ये पूरा फिनिशअप हो चुका है, जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रिलीज हो चुका है, बट देन टू गाइस एक बहुत बड़ा लूप होल, या फिर मैं बोलूँ फ्लॉज जो है वो देखने को मिल रहा है, वो ये है कि अभी तक गाइस इतने बड़े डेटा के दौरान, यानी कि 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स थे गाइस, तो उनमें से बेसिकली 40 लाख लोग जो है गाइस वो छूट गए हैं, यानी कि 40 लाख लोगों का डेटा जो है उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया है गाइस। तो इस चीज के लिए गाइस गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि September 28 जो है वो लास्ट लाइन है, मतलब डेडलाइन दी है उन लोगों को कि जिन लोगों का डेटा जो है वो यहां पर शामिल नहीं है, तो वो बेसिकली आ सकते हैं और बेसिकली अपने नाम को गाइस वेरीफाई करने के बाद बेसिकली क्लेम कर सकते हैं कि वो असम के ही सिटीजन है। तो गाइस, ये चीज जो है बेसिकली असम के लोगों की सिटीजनशिप को प्रूफ करने के लिए एनआरसी जो है वो लेके आया गया था, जिसके थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स को गाइस भगाने की बात की गई थी, यानी कि साफ करने की बात की गई थी। इसके अलावा गाइस, आप लोग को ये चीज पता होना ज्यादा जरूरी है कि नागरिक सेवा केंद्र था गाइस, यानी कि जो जैसे कि मतलब वोटिंग के दौरान गाइस हम लोग एक पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं और वहां जाके वोट देते हैं, तो उसी दौरान गाइस यहां पे लोगों की सिटीजनशिप को प्रूफ करने के लिए इस प्रकार के केंद्र बनाए गए थे जिसका नाम था नागरिक सेवा केंद्र। तो यहां पर गाइस आकर लोग जो है अपनी सिटीजनशिप को स्टेटस को गाइस मतलब प्रूफ कर रहे थे, और उसके बाद जो है गाइस नया डेटा जो है वो सामने हम लोग को निकल के आया है राइट। तो ये चीज है गाइस ओवरऑल हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकंडली गाइस, यहां पर जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो यहां पर किसी भी प्रकार की भगदड़ हम लोग को देखने को नहीं मिली, लोगों ने बहुत ही पीसफुल वे में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट किया है और किसी भी प्रकार का एजिटेशन जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर शो नहीं किया है, तो ये काफी अच्छी बात है गाइस। और अब
नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइज हम लोग। तो देखिए ये बात की जा रही है ओडिशा गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो देखिए ओडिशा ने क्या किया है, ओडिशा ने बात करी है कि वो अमेंड करेगी अपने पुलिस मैनुअल रूल्स को गाइज। तो पुलिस मैनुअल रूल्स को अमेंड करने के बाद वहां पर जितने भी कांस्टेबल हैं, जितने भी हवलदार हैं ओडिशा के अंदर गाइज, तो इनको बेसिकली क्या किया जाएगा गाइज, कांस्टेबल और हवलदार को, तो इनमें से जितने भी हवलदार हैं और कांस्टेबल्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन जो है वो पूरा हुआ हो और वो जो ग्रेजुएट होंगे, तो गाइज उनको बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की पावर दे दी जाएगी, यानी कि हवलदार और कांस्टेबल अब से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ओडिशा के अंदर। तो गाइज देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने की पावर जो हुआ करती थी वो इंस्पेक्टर के पास हुआ करती थी, बट जैसे कि काफी सारे केसेस जो है वो ओडिशा के अंदर पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं लार्ज नंबर में गाइज, तो ये बेसिकली पुलिस में जो गाइज जो केसेस जो होते हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ये मूव जो है वो लिया गया है, और ये बहुत बढ़िया मूव है गाइज। और इस दौरान आपके अपने एग्जामिनेशन में ये वाली चीज लिख सकते हैं कि पुलिस का बर्डन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि अभी रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने ये वाला एक्शन लिया है जिसके थ्रू उसने जो भी कांस्टेबल और ये हैं हवलदार जो हैं जो ग्रेजुएट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उनको बेसिकली पावर दे रखी है इन्वेस्टिगेट करने की। और देखिए गाइस थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में अगर जाने हम लोग इस पर्टिकुलर पावर के बारे में, तो ये गाइस हवलदार और कांस्टेबल सिर्फ वही केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जिसमें सजा जो है वो 2 साल के अंदर की होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम सजा जो है किसी कैदी को अगर सुनाई जाएगी या फिर कोई ऐसा केस होगा जिसमें कि जज जो है किसी कैदी को मैक्सिमम सजा 2 साल की सुनाएंगे, तो उसी उस पर्टिकुलर केस को ही ये हवलदार और कांस्टेबल सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उससे ऊपर के केस को गाइस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा गाइस कुछ सिविल केसेस भी इनके अंडर में रखे हुए हैं, तो जैसे बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी गाइस जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 30,000 से कम, तो उनके केस जो है हवलदार और कांस्टेबल जो है वो इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा के अंदर आप लोग ओडिशा के अंदर नहीं, मतलब आप लोग को ये बताना है, ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने या फिर कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली मतलब इस प्रकार का जैसे हवलदार और कांस्टेबल जो होंगे वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे मतलब कोई भी केसेस को, क्रिमिनल और सिविल केसेस को, ये कौन सी स्टेट ने जो है ये पर्टिकुलर एक्शन जो है की शुरुआत करी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्शन की शुरुआत करी है ओडिशा स्टेट ने। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें गाइस, तो राजस्थान स्टेट ये बेसिकली न्यूज़ है, तो राजस्थान क्या करने वाला है गाइस, राजस्थान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने की बात करने वाला है, यानी कि अपने क्रॉप के अंदर मतलब क्या होता है गाइस, फार्मर जो है वो आजकल हम लोग को पता है कि उनकी इनकम्स वगैरह है वो काफी कम है, तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोशन की बात की जा रही है। तो देखिए व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पहली बात तो ये आप लोग को पता होना काफी जरूरी है। तो गाइस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक फील्ड होती है उसके अंदर गाइस बात की जाती है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही क्रॉप गाइस उगाते हैं एक फील्ड में, राइट। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर गाइस फार्मर जो है वो नए नए क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं और जिसके थ्रू गाइस वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें बात की जा रही है कि फार्मर जो है वो हॉर्टिकल्चर करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, पिसी कल्चर करेंगे और फूड प्रोसेस करेंगे गाइस, और उसके थ्रू अपनी इनकम जो है वो बढ़ाएंगे। तो देखिए अल्टीमेटली फार्मर की इनकम बढ़ाने की बात की जा रही है, और इस दौरान गाइस बात की जा रही है कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो फार्मर्स को इशू किया जाएगा गाइस। तो व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, तो गाइस देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड आया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू, जिसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में। इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू गाइस फार्मर्स जो है उनको बेसिकली एक कार्ड दिया गया था, जिस कार्ड में बेसिकली उनके क्रॉप्स के बारे में डिटेल थी कि कौन से क्रॉप्स की क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए या मतलब किस प्रकार से उस क्रॉप को मैनेज करना चाहिए, मतलब पूरी एक प्रॉपर डिटेल थी उसके अंदर कि कौन से फर्टिलाइजर से उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हर एक चीज गाइस उसमें मेंशन थी, जिसके थ्रू गाइस मतलब प्रॉपर वे में किसान जो है गाइस वो सीख कर, यानी कि किस प्रकार का क्रॉप है वो किस प्रकार से उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, तो ये सब चीजें उस पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड में सीख कर गाइस वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा सकता है और अपनी इनकम को जो है गाइस वो रेज कर सकता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इनको सॉइल हेल्थ कार्ड भी इशू किए जाएंगे, जिसके थ्रू फार्मर जो है वो अपनी इनकम जो है वो रेज कर सके। इसके अलावा गाइस बात की जा रही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, 7,400 करोड़ रुपीस का जो गाइस रिलीफ जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया है गाइस, जो फार्मर्स जो है जो कि नेचुरल कलामिटीज के थ्रू गाइस सफर किया था जिन लोगों ने पिछले 4 सालों में, तो उनको बेसिकली 7,400 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है प्रोवाइड करा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। इसके अलावा गाइस देखिए जैसे कि इन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करी है, तो इन्होंने बोला है कि स्पाइसेस जो है गाइस उसको बेसिकली एक्सपोर्ट करने की बात करेगी, यानी कि प्रमोट करेगी, ऐसी पॉलिसीज लेके आएगी जिसके थ्रू स्पाइसेस जो होते हैं गाइस उसको एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, जिसके थ्रू गाइस जब स्पाइसेस एक्सपोर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ेगी, राइट। तो दिस इज द थिंग गाइस आप लोग को पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्या चल रहा है और स्पेशली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है,
और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, तो इन दोनों चीज के बारे में गाइज आप लोग को पता होना काफी काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे गाइज हम लोग, तो देखिए पिंक बॉल वॉर्म से रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि पिंक बॉल वॉर्म क्या है। तो यू शुड नो गाइज पिंक बॉल वॉर्म बेसिकली एक इंसेक्ट है जो कि कॉटन प्लांट के अंदर होता है गाइज, मतलब पाया जाता है, यानी कि वो आ जाता है कॉटन प्लांट के पास और कॉटन प्लांट को खा जाता है और खाने के बाद डैमेज कर जाता है गाइज पूरे कॉटन की फील्ड को। तो देखिए गाइज ये एक तरह का पेस्ट है और ये बेसिकली क्या करता है गाइस, इसको अगर प्रॉपर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये पूरी की पूरी गाइस फील्ड को जो है वो साफ कर जाता है। तो देखिए ये जो चीज है गाइस वो हो रही है विदर्भा के अंदर, जो कि लास्ट ईयर भी हुई थी गाइस महाराष्ट्र में। तो काफी सारे फार्मर जो है गाइस लास्ट ईयर जब हुई थी गाइस ये वाला पिंक बॉलवॉर्म नाम के इंसेक्ट ने जब अटैक किया था मतलब फील्ड्स को फार्मर्स की, तो पिछले साल गाइस काफी सारे फार्मर्स का नुकसान हुआ और इस साल से फार्मर्स ने कॉटन उगाना छोड़ दिया। इस दौरान गाइस इस साल भी हम लोग को सेम चीज यही देखने को मिल रही है कि पेस्ट ने मतलब बेसिकली पिंक बॉल वॉर्म ने अटैक कर दिया है दोबारा से और जिन लोगों ने कॉटन उगाए हैं गाइस तो उनकी फील्ड को जो है वो साफ कर रही है। तो देखिए गवर्नमेंट को इसमें बेसिकली इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ गाइस पेस्टिसाइड जो है वो छिड़कवानी चाहिए या फिर कोई प्रॉपर मेजर जो है वो बताना चाहिए कि किस प्रकार से पिंक बॉल वॉर्म को भगाया जाए फील्ड के अंदर से, जिसके थ्रू गाइस फार्मर्स जो है वो डेट में जाने से बच जाए। अब डेट में जाने से कैसे बच जाए गाइस, तो ऑब्वियसली बात है जब उनकी फसल जो है खराब हो जाएगी तो कर्जे में गाइस डूब जाएंगे राइट, तो दोबारा से अपना जो लोन जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और उस कारण से गाइस हम लोग को अगेन फार्मर्स जो है वो निराश नजर होते हैं नजर आएंगे और काफी जगह गाइस जैसे कि फार्मर्स जो है वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसी न्यूज हम लोग को देखने को मिलती है गाइस। तो इन सब न्यूज से बचने के लिए गाइस गवर्नमेंट को प्रॉपर इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्पेशली जब उनको पता लग चुका है कि पिंक बॉल वॉर्म ने बेसिकली अटैक किया हुआ है और पिछले साल भी जब अटैक किया था तभी भी कोई मेजर जो है वो ऐसा देखने को नहीं मिला था, इस साल भी जब अटैक किया तो गवर्नमेंट को बेसिकली एक्टिव होकर कोई ना कोई मेजर जो है वो लाना चाहिए आगे। तो देखिए गाइस पिंक बॉल वॉर्म क्या होता है ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये पिंक बॉल वॉर्म। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे गाइस, तो ये फोटो जो है वो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग को देखने को मिली थी। तो अब ये जो फोटो है गाइस देखिए ये तो काफी सारे लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, बट गाइस हम लोग अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बात सिर्फ इतनी सी कही गई थी कि वाटर लेवल जो है गाइस वो काफी बढ़ गया है और उस कारण से रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है केरला में। बट गाइस हम लोग को बात करनी है यहाँ पर डैम्स की, तो देखिए इडुकी आर्क डैम जो है वो कहाँ पर है और चेरू थोनी डैम जो है वो कहाँ पर है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वो है गाइस केरला के अंदर चेरू थोनी डैम और इडुकी डैम। इसके अलावा गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि केरला के अंदर इडुकी हाइडल प्रोजेक्ट भी है, तो ये चीज याद रखिए गाइस। और ये जो डैम है ये दो हिल्स से लगा हुआ है गाइस और ये दो हिल्स के बीच में है, तो इन दो हिल्स का नाम भी आप लोगों को पता होना काफी जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हिल्स के बारे में पूछा जाता है कि ये वाली हिल कहाँ पर है और उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा ही नहीं होता है क्योंकि वो न्यूज में ही आती है करंट अफेयर्स की और हम लोग को पता ही नहीं रहता कि न्यूज में आई है कि नहीं आई, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो था ही नहीं न्यूज के अंदर राइट। तो देखिए गाइस दो हिल्स हैं, उसका नाम मैं आपको बता दूं, देखिए एक हिल का नाम है कुरुवनमाला और दूसरी हिल का नाम है कुरुवंथीमाला। तो गाइस कुरुवनमाला और कुरुवंथीमाला कहां पर है, केरला में है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। सॉरी हाँ, तो फ्री में मिलेगी आपको कहां पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और इवन गाइज आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ब्लॉग को भी गाइज विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी गाइज आपको अवेलेबल होगी पूरी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से रिलेटेड भी, और इसके अलावा हम लोग काफी सारे टेस्ट भी गाइज कंडक्ट कराते हैं हमारे ब्लॉग में, तो प्लीज जाइए और हमारे ब्लॉग को जो है वो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा हमारी वेबसाइट को। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं गाइज, तो ये बात की जा रही है जॉन शंकर मंगलम के बारे में, जॉन शंकर मंगलम या फिर इनको टी सी जॉन के नाम से भी जाना जाता है गाइज, तो इनकी मृत्यु हो गई है और ये एक फिल्म मेकर थे गाइज और ये फॉर्मर डायरेक्टर थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गाइज जो कि पुणे में एस्टैब्लिश है। तो देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जॉन शंकर मंगलम किससे रिलेटेड है, तो गाइस ये एक फिल्म मेकर और फॉर्मर डायरेक्टर थे किसके, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और वो कहां पर है गाइस, वो है कहां पर, पुणे में। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ये बेसिकली न्यूज है गाइस, तो उत्तर प्रदेश में गाइस 5 करोड़ प्लांट की सैपलिंग्स है उसको लगाने की बात की गई है गाइज, मतलब 5 करोड़ जो है प्लांट जो है वो लगाएंगे और इंडिपेंडेंस डे से पहले, और गाइज बात की जा रही है कि 9.16 करोड़ सैपलिंग जो है इनका टारगेट है, यानी कि इस साल के एंड तक 9.16 करोड़ प्लांट सैपलिंग जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। और गाइज बात की जा रही है एक व्यक्ति एक वृक्ष के बारे में, यानी कि वन पर्सन वन ट्री के बारे में, कि मतलब जितने लोग हैं गाइज उत्तर प्रदेश के अंदर उतने पेड़ जो है वो लगाने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो देखिए
एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली इनिशिएटिव है। और देखिए एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को उसको, मतलब कोई भी न्यूज आती है तो हम लोग को उसको ध्यान से देखना है, बिकॉज वाली न्यूज जो है गाइज वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट 120% हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज अगेन बात करते हैं गाइज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों से डिफेंस से रिलेटेड काफी सारी न्यूज हम लोग देख रहे हैं गाइज, ये बहुत बड़ी न्यूज है बिकॉज इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बेसिकली अप्रूवल दे दिया है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए डिफेंस सेक्टर में गाइज। तो यानी कि डिफेंस सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट प्राइवेट सेक्टर के साथ गाइज मिलकर जो है वो काम करेगी, यानी कि पार्टनरशिप कर रही है। इसके थ्रू गाइज वो प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज जो है गाइज उसको चूज करेंगी, और वो कंपनीज क्या करेंगी गाइज, वो कंपनी डिजाइन करेंगी, डेवलप करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी वेपन्स को हमारे गाइज, और इसके अलावा आर्म फोर्स की नीड्स को मेंटेन करने के लिए, मतलब इन फ्यूचर में जो भी नीड्स आती है आर्म फोर्स के लिए गाइज तो उसको फुलफिल करेगी प्राइवेट कंपनीज। तो उसके लिए गाइज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गाइडलाइंस जो है वो गाइज इशू कर दी है DAC ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो ये चीज आप लोग को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गाइज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी वो 4 सेगमेंट्स में होने वाली है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो सबमरीन बनाने का काम करेंगी, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगी, एक हेलीकॉप्टर बनाएंगी, और आर्म्ड कैरियर्स या फिर मेन बैटल टैंक जिसको बोलते हैं गाइस, तो बैटल टैंक्स भी गाइस प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी, यानी कि उसके पार्ट्स वगैरह भी बनाएंगी गाइस, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज जिसको चूज किया जाएगा गाइस, राइट। तो देखिए हर एक चीज के इंपॉर्टेंट मतलब प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, बट यहाँ पर गाइज हम लोग हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को मतलब जैसे कि डिफेंस सेक्टर में एटलीस्ट इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि जब भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो हम लोग को दूसरे देश का जो है गाइज मुंह ना देखना पड़े। जब भी जैसे कि कोई हमारे जैसे सपोज कि ये टैंक है इसमें कुछ खराबी आ जाती है और ये टैंक को हम लोग ने रशिया से बुलवाया है तो गाइस हम लोग को फिर रशिया को कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके पार्ट्स को बुलवाने के लिए, बट अगर ये टैंक हमारे इंडिया में ही बनाया गया होगा, मैन्युफैक्चर किया गया होगा, तो हमें किसी भी फॉरेन कंट्री का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्टली इंडिया में वो बेसिकली जो भी कंपनी इसको बना रही होगी उसको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे और पार्ट्स जो है उसको दोबारा से जो है बनवा कर या फिर उसको रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर न्यूज गाइस हमारे एग्जामिनेशन के लिए कि डिफेंस सेक्टर ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर कर ली है और आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज हम लोग को डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती हैं स्पेशली ये 4 सेगमेंट्स के अंदर तो वो बनाएंगी गाइस। और सेकंडली गाइस इसके अलावा DAC ने अप्रूवल दे दिया है 8 फास्ट पेट्रोल वेसल को, यानी कि FPV को गाइस कोस्ट गार्ड्स के लिए। तो देखिए अप्रूवल मिल गया है इनको, आने वाले समय में हम लोग को फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स देखने को मिलेंगे और इसकी वैल्यू होने वाली है गाइस वो होने वाली है 800 crores guys, तो ये चीज याद रखिएगा guys, right? Next news के बारे में बात करें guys, तो oxytocin से related basically ये news है जो कि काफी important है हमारे examination के लिए guys, इसको government ने July 1st को ban कर दिया गया था। अब ये ban क्यों किया था पहले तो ये समझ लेते हैं। तो guys देखिए oxytocin की मदद से guys काफी सारे लोग क्या कर रहे थे, ये animals को oxytocin के injections लगाते थे और उसके थ्रू animals जो है वो मतलब जैसे कि cattle के बारे में बात करें guys, तो cattle जो है उससे income कैसे होती है लोगों की, दूध निकाल कर, right? कि दूध से income होती है, right? गाय को पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं और दूध से इनकम करते हैं। तो देखिए गाय जो होती है वो एक टाइम पे मतलब जितने उसकी लिमिट होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, उतना ही मिल्क जो है वो निकाल पाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाएगी। बट गाइस ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से इनको इंजेक्शन दिया जाता था, इनको जब ड्रग दिया जाता था उसके थ्रू गाइस उनका मिल्क जो है वो गाइस ज्यादा हो जाता था। उसके कारण क्या होता था गाइस, उसके कारण जो है उनकी लाइफ जो होती थी गाइस एनिमल्स की वो कम हो जाती थी, राइट? क्योंकि बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर चीज के आप किसी चीज को आप आर्टिफिशियली अगर यूज करो किसी भी नेचुरल चीज को तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, राइट? नेक्स्ट चीज गाइस क्या करते थे लोग, बाग वेजिटेबल्स वगैरह को में ये बेसिकली ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन वगैरह फीड किया करते थे और वेजिटेबल के साइज वगैरह जो है गाइस वो इंक्रीज कर दिया करते थे, राइट? तो देखिए इन सब चीजों के चलते गाइस ऑक्सीटॉक्सिन को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, बट इस बैन से गाइस डॉक्टर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है बिकॉज गाइस ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली एक लौता ऑप्शन है प्रेगनेंट वुमेन्स के लिए गाइस, यानी कि प्रेगनेंट वुमेन्स जब उनकी डिलीवरी होती है, जब उनकी चाइल्ड बर्थ का पीरियड होता है गाइस, उस दौरान गाइस ऑक्सीटॉक्सिन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो गाइज जो डॉक्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि बैन जो है इसका हटा दिया जाए बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटॉसिन बेसिकली स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, राइट? तो दिस इज द ओवरऑल थिंग, आपको पता होना चाहिए गाइज कि ऑक्सीटॉसिन एक्चुअली है क्या, बिकॉज एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्स रिलेटेड गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो जेनिटल म्यूटिलेशन से रिलेटेड बेसिकली ये न्यूज़ है। तो व्हाट इज जेनिटल म्यूटिलेशन? तो देखिए गाइस काफी बार हम लोग काफी सारे धर्म के अंदर देखते हैं रिलीजन के अंदर कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं गाइस, तो उनकी बॉडी का जो जेनिटल पार्ट जो होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके स्किन को जो है गाइस कट कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, राइट? तो देखिए गाइस उसके पीछे रिलीजियस काफी सारे कारण हैं, जैसे कि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन लोग बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करने से इन्फेक्शन जो है वो नहीं होते हैं आने वाले समय में,
जो लोग बाग जो होते हैं वो इन्फेक्शन से बच जाते हैं, और भी काफी कुछ कारण जो है इसमें बताया गया है। और गाइज तो उसी चीज से चलते ये बेसिकली न्यूज है, और स्पेशली इसमें फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में बात की गई है। गाइज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी थी एडवोकेट सुनीता तिवारी जी ने, और उन्होंने बेसिकली बोला था कि जो भी लोग फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन करते हैं या फिर जो भी परफॉर्म करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज गाइज फीमेल्स के साथ, तो उनको बेसिकली सजा मिलनी चाहिए। तो ये चीज बात बोली गई थी और बैन करने की बात करी है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की, राइट। तो गाइज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसके खिलाफ फैसला सुना जा रहा है और बोला ये जा रहा है गाइज बेसिकली फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के लिए गाइज कि ये बेसिकली एक तरह का वॉयलेशन है और ये राइट टू लाइफ है गाइज, मतलब वॉयलेशन ऑफ राइट टू लाइफ है और डिग्निटी है गाइज वुमेन की। तो बेसिकली गाइज ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी भी वुमेन का आप पार्ट या फिर किसी भी इंसान का गाइज अगर आप पार्ट उसकी बिना इजाजत के काटोगे या फिर बिना इजाजत की छेड़खानी करोगे उसके पार्ट्स के साथ, तो गाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी पर्सन की डिग्निटी के खिलाफ। और अगर वुमेन की बात की है तो गाइज बिल्कुल भी सही नहीं है ये वाली चीज। बट गाइज देखिए जैसे कि अपोजिशन वाले जो हैं यानी कि जो लोग मतलब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो उनका कहना ये है कि रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है और ये बेसिकली एक एसेंशियल पार्ट है इनके रिलीजन का, मतलब फीमेल म्यूटिलेशन। तो काफी सारे रिलीजन है गाइज जो ये बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं म्यूटिलेशन की, जेनाइटल म्यूटिलेशन की गाइज। तो अब देखते हैं गाइज क्या होता है। बाकी हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके थ्रू बोला गया है कि जो भी लोग फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको 7 साल की सजा जो है वो सुनाई जाएगी, राइट। 7 साल के जेल का कारावास सुनाया जाएगा गाइज। तो ये ओवरऑल थिंक थी गाइज फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है। जो केसेस जो है गाइज वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है अगर 2011 सेंसस की बात करें तो हमारे इंडिया में 55% वुमेन जो है गाइस वो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चरल एज अ एग्रीकल्चरल लेबर, और 24% है गाइस वो एग्रीकल्चर में काम करती हैं एज अ कल्टीवेटर। तो देखिए गाइस फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है गाइस वो अक्सर हम लोग को वुमेन्स का देखने को मिलता है गाइस। तो उसी दौरान बेसिकली गाइस जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गाइस जो कि साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है गाइस, तो उसने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव के थ्रू बेसिकली इन्होंने एक बेसिकली वर्कशॉप जो है गाइस वो कंडक्ट कराया था। 35 वुमेन्स गाइस यानी कि वुमेन फार्मर जो थी 35 उस वर्कशॉप में थी गाइस, और उन वुमेन्स को गाइस सिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से मतलब क्रॉप की प्लानिंग करनी चाहिए, राइस क्रॉप की स्पेशली किस प्रकार से पेस्ट और वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीजें गाइस उनको सिखाया जा रहा था, और सिखाने के दौरान गाइस बात 8 वुमेन्स को यानी कि 8 वुमेन को है गाइस सेलेक्ट किया गया है और उनको बेसिकली भेजा जाएगा गाइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है। तो देखिए गाइस 8 महिलाएं जो है महिला फार्मर्स, तो वो बेसिकली फिलीपींस जाएंगी गाइस, और फिलीपींस जाने के बाद वो लर्न करेंगी यानी कि सीखेंगी गाइस किस बारे में, ये सीखेंगी राइस कल्टीवेशन के बारे में, पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट के बारे में, यूज ऑफ क्रॉप कैलेंडर के बारे में, लैंड सेलेक्शन के बारे में, क्रॉप मॉनिटरिंग के बारे में, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सीड मैनेजमेंट के बारे में। सो गाइस देखिए ये जब सीख के आएंगी तो ये दूसरी महिलाओं को भी सिखाएंगी गाइस, और इस दौरान हम लोग को फार्मिंग के अंदर एक प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो गाइस इस तरीके से गाइस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कि इनिशिएटिव लेती है और इस प्रकार से लोगों को जो है गाइस अच्छा डायरेक्शन देती है कि किस प्रकार से अपनी इनकम जो है वो बढ़ाई जाए। और देखिए गाइस ये वुमेन्स के लिए भी एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और सेकंडली गाइस बात कर रहे हैं कि 6 से लेकर 8 अगस्त 2018 के बीच में इन वुमेन को जो है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भेजा जाएगा जो कि फिलीपींस में है। तो याद रखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन के लिए है। सेकंडली गाइस कौन सी स्टेट्स की वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया है, तो उत्तराखंड, असम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की स्टेट की वुमेन्स को। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने बात करी थी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018 के बारे में, जो कि गाइस लोकसभा में ये बेसिकली बिल जो है वो पास हो गया है, और राज्यसभा में गाइस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द वाला बिल जो है वो पास हो जाएगा। इस बिल के थ्रू गाइस बात किस बारे में की जा रही है गाइस, तो ये बोला जा रहा है कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने बोला है कि जो भी सेक्स वर्कर्स जो होती हैं गाइस, तो उनको क्रिमिनलाइज ना किया जाए यानी कि उनके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाए, रेदर देन उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो अपने जितने भी वो मतलब मानसिक प्रताड़ना से जो भी पीड़ित हुई हैं वो, तो उनको बेसिकली उनकी मानसिकता को सॉल्व किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए एक प्रॉपर वे में, और उनको बेसिकली उसके बाद जो है वो रिलीज किया जाए, ना कि उनको सजा दी जाए। तो देखिए अमेंडमेंट करने की बात करी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस पर्टिकुलर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल के बारे में, राइट। तो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था गाइस कि जो वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि जो लोग कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, चिल्ड्रंस को, बच्चों को और औरतों को, और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन या फिर लेबर्स, बॉन्डेड लेबर या फिर बेसिकली
और भी जैसे कि हम लोग ने देखा कि काफी सारे बच्चों को गाइस भीख मंगवाया जाता है फोर्सफुली, काफी सारी मूवीज वगैरह में हम लोग ने देखा है। देखा तो गाइस ये सब एक्टिविटीज में जो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं गाइस, तो उनको पीनलाइज सजा देने की बात करती है गाइस ये पर्टिकुलर बिल, जिसका नाम है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018। सो गाइस इसी दौरान गाइस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये वाली बात बोली है। तो देखिए आने वाले समय में देखते हैं राज्यसभा इसको अमेंडमेंट को मतलब मानती है कि नहीं मानती है और किस प्रकार से इस बिल को पास करती है, और जब ये बिल फाइनली पास होकर गाइस राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर एसेंट बनेगा, उसके बाद फिर एक्ट बनेगा गाइस ये वाला बिल, तो हम लोग जो है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम मॉडल लॉ अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन और ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR ने बेसिकली कुछ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस गाइस ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड गाइस मेंशन करी है, जिसको राज्यसभा गाइस देखेगी और देखने के बाद इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस के थ्रू गाइस इस जो बिल है उसमें शायद अमेंडमेंट कर सकती है। तो आने वाले समय में गाइस जब अमेंडमेंट करेगी तब उस बारे में हम लोग और अच्छे से इस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस कुछ समय पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि लोकसभा ने बेसिकली पास किया हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 और राज्यसभा में गाइस ये वाला बिल जो है वो पास हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए गाइस जब ये वाला जो बिल जो है वो पास हुआ है लोकसभा के अंदर कल, तो हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि ये बिल क्या करेगा गाइस, अमेंड करेगा इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। बात कर लेते हैं ये बिल क्या है। देखिए गाइस कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि जो लोग जो हैं जो रेपिस्ट जो हैं गाइस वो 12 साल के कम की उम्र के लड़कियों को के साथ रेप जो करेंगे तो उनको बेसिकली डेथ की सजा जो है वो सुनाई जाएगी और उनका मिनिमम सजा जो होगी उनकी 20 साल होगी और मैक्सिमम जो होगी वो डेथ की सजा होगी, राइट। तो देखिए गाइस रेप जो होता है उसको कभी भी डिफाइन नहीं करना चाहिए एज फैक्टर के ऊपर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस बिल में तो गाइस एज के बारे में बात की गई थी कि 12 साल की कम की उम्र के साथ जो भी लोग रेप करेंगे तो उनको 20 साल से लेकर डेथ तक की सजा सुनाई जाएगी, और उसके अलावा गाइस बात की जा रही है कि जो भी लोग दूसरी वुमेन्स के साथ रेप करेंगे तो उनको बेसिकली 7 साल की सजा जो पहले सुनाई जाती थी तो 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। तो देखिए गाइस रेप इज रेप और उसकी सजा जो होनी चाहिए गाइस वो हमेशा से डेथ होनी चाहिए गाइस। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा गाइस। तो देखिए रेप को बेसिकली एज से रिलेट नहीं करना चाहिए, वुमेन के साथ रेप हुआ है तो मतलब रेप होता है उसमें कोई एज फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसकी सजा हमेशा डेथ होनी चाहिए गाइस। तो इस चक्कर में गाइस मुझे अरेबियन के जो लॉज जो होते हैं वो ज्यादा बेटर लगते हैं गाइस, अरेबियन स्टेट्स के, तो जैसे कि जिसमें ओपन एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है हम लोगों को तो वो ज्यादा बेटर लगता है गाइस मुझे, मतलब इंडिया के लॉ से ज्यादा अच्छा वहां का लॉ मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए मुझे तो नहीं लगता गाइस कि एज फैक्टर्स कभी भी रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, हमेशा उनको सिर्फ एक ही डिसीजन देना चाहिए था, अगर किसी ने रेप किया है तो उसको मौत की सजा। तो इस दौरान गाइस जो दूसरे रेपिस्ट जो है वो डरेंगे और इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो नहीं करेंगे, राइट। तो गाइस इस अभी के लिए गाइस आप ये वाली इस चीज पे फोकस करिएगा कि ये वाली जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 है वो क्या है और रेप पनिशमेंट्स के लिए गाइस ये बेसिकली बिल जो है वो बनाया गया है, और राज्यसभा में गाइस ये बिल पास होगा तब ये बेसिकली एक एक्ट बनेगा मतलब प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, और उसके बाद गाइस इस बिल के बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए इंडोनेशिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट रिंजानी। तो गाइस देखिए ये वाली न्यूज में तो सिर्फ यही चीज लिखी हुई थी कि 700 ट्रैकर्स जो थे वो नीचे आ गए हैं माउंटेन से, बिकॉज इंडोनेशिया में मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है वो आया है और उसका मैग्नीट्यूड है 6.4। तो देखिए ये वाली न्यूज काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जामिनेशन में ये वाली न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस, तो हमसे पूछा जाता है कि माउंट रिंजानी कहाँ है। सो वी शुड नो गाइस माउंट रिंजानी है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में एक्जैक्टली कहां पर है तो आइलैंड ऑफ लंबोक में गाइस माउंट रिंजानी है। याद रखिएगा माउंटेन रिंजानी कहां पर है तो आपको पता होना जरूरी है, वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट के बारे में बात करें गाइस, तो पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ नाम की जो पार्टी है गाइस वो जीत गई है जनरल इलेक्शन की, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात कर चुकी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए हैं 25 जुलाई को गाइस, तो वहां पर ये वाली पार्टी जो है वो जीत गई है। अब बात की जा रही है गाइस कि यहां पे जो इस पार्टी के जो लीडर हैं जिनका नाम है इमरान खान, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान के, और वो ओथ लेंगे गाइस 11 अगस्त को। तो ये चीज याद रखिएगा, अगले प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के, तो वो बनने वाले हैं इमरान खान, और 11 अगस्त को वो ओथ लेंगे पाकिस्तान के। अब गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, बिजनेस न्यूज के बारे में। देखिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट कर दिया है गाइस इंडिया के बेसिकली मतलब एचएसबीसी इंडिया के सीईओ को, और उनका नाम है सुरेंद्र
रोशा, तो सुरेंद्र रोशा नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली नाम भी पूछा जाता है गाइस काफी सारे एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें गाइस, तो बी एन श्री कृष्णा कमेटी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया ही हुआ था, कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था गाइस। तो इस बेसिकली कमेटी के दौरान हम लोग को पता लगा था कि डेटा प्रोटेक्शन वाली जो चीज है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और इस पर्टिकुलर कमेटी ने काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। तो गाइस बात की जा रही है कि जितने भी ई कॉमर्स की जो पॉलिसी होंगी उनको बेसिकली इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि गाइस जैसे कि फेसबुक होता है, अमेजोन होती है, अलीबाबा होता है, गूगल होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, ओला होता है, ओयो रूम्स होते हैं, इस प्रकार के मेक माई ट्रिप होते हैं गाइस। तो ये सब जो भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं गाइस, तो ये हमारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास सेव रहती है, हमारा जो पर्सनल डेटा जो होता है इनके पास सेव रहता है गाइस। तो इस सेव इस पर्सनल डेटा को मिसयूज ना करें गाइस, तो इसलिए इनको ये जो बी एन श्री कृष्णा पैनल जो कमेटी जो बनी थी गाइस, तो उसके खिलाफ जो बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे गाइस, तो वो यहां पर भी लागू किए जाएंगे। तो देखिए प्रियंका जी ने एक रिप्लाई किया है, प्रियंका मैम मैं आपको थोड़ी देर के बाद जो है वो रिप्लाई करूंगा इसके बारे में, यू डोंट वरी। मतलब अभी एक्चुअली क्या मैं ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपका रिप्लाई जो है वो देखता हूँ। राइट, इसके अलावा गाइस देखिए एक और बिजनेस न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये न्यूज जो है वो क्लियर हो गई होगी गाइस। तो ये सिंपल एंड सॉर्टेड कि बी एन श्री कृष्णा जी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बताए थे मतलब डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो वो सभी बेसिकली प्लेटफॉर्म को जो है फॉलो करने पड़ेंगे, ये वाली बात बोली गई है। इसके अलावा गाइज ये वाली बात की जा रही है, सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है गाइज, उसने सोर्स नाम की गाइज एक टेक्नोलॉजी जो है उसको निकाली है। अब ये सोर्स टेक्नोलॉजी क्या करती है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे गाइज। देखिए हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है गाइज, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है गाइज, तो वाटर वेपर और सनलाइट की मदद से गाइज ये क्या करेंगे, ये पानी बनाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर बनाएंगे गाइज। इस ड्रिंकिंग वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम को मतलब ऐड ऑन करेंगे। क्यों ऐड ऑन करेंगे गाइस, बिकॉज उसकी मिनरलाइज्ड यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड बढ़ाने के लिए, तो इसको बेसिकली ऐड किया जाएगा और इसको पीने लायक पानी जो है वो बनाया जाएगा गाइस। तो देखिए याद रखिएगा सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम की एक वो है मतलब टेक्नोलॉजी जिसका नाम है सोर्स, और सोलर पैनल के थ्रू गाइस पानी बनाया जाएगा पीने लायक, और ये बेसिकली इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। और बात की जा रही है कि 2 लाख रुपए जो है इस पर्टिकुलर पैनल की कॉस्ट है, और हर दिन जो है वो 5 लीटर पीने का पानी जो है वो बनाया जाता है गाइस, और ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी और सनलाइट पे। और सेकंडली गाइस बात की जा रही है, इन्होंने पार्टनरशिप करी थी अमेरिका की बेसिकली यूएसए की एक कंपनी से जिसका नाम था जीरो मास वाटर। तो सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड ने जीरो मास वाटर के साथ पार्टनरशिप करी है, और पीने का पानी जो है बनाने की बात करी है किससे, सनलाइट से और बेसिकली एयर से, हवा और धूप से पीने का पानी जो है वो बनाया जा रहा है गाइज। राइट, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो गाइज देखिए ये बात की जा रही है केवीबी और स्टार एग्री फाइनेंस के बारे में, जिन्होंने बेसिकली मिलकर पार्टनरशिप करी है। तो देखिए गाइस ये पार्टनरशिप करके क्या करने वाले हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज गाइस के में बेसिकली ये पार्टनरशिप करेंगे, और इनके पास जो एग्रीकल्चर स्टार एग्री वेयर हाउस जो है गाइस, वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इनके पास सेव्ड है गाइस, तो उसके अगेंस्ट जो है ये लोन जो है वो लेने वाले हैं गाइस, और लोन लेने के बाद ये इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर गाइस इन्वेस्ट करेंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में गाइस ये आने वाले समय में जो है वो काफी अच्छा काम जो है वो करने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं गाइस। तो देखिए स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बैट्स वुमन स्मृति मंधना, नाम याद रखिए गाइस स्मृति मंधना, तो ये बेसिकली फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन वुमन टी20 जो है इनको इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, और ये जो है वो सबसे मतलब फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई है वुमन टी20 क्रिकेट में, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा स्मृति मंधना। नेक्स्ट गाइस हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है जिनका नाम है राज्यवर्धन राठौर जी, तो उन्होंने बेसिकली गाइस लक्ष्य सेन जी को बेसिकली मतलब कांग्रेस किया है, बिकॉज इन्होंने एशियन जूनियर बैडमिंटन टाइटल जो है जीता है जकार्ता में। तो देखिए गाइस याद रखिएगा जकार्ता में क्या हुआ था, ये हुआ था एशियन जूनियर बैडमिंटन जो है वो हुआ था जकार्ता में। आपसे एशियन जूनियर बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे गाइस, जॉर्डन जूनियर एंड कैडेट ओपन में इंडिया ने गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है, और गाइस वर्ल्ड नंबर 1 डस्टिन जॉनसन जी जो है उन्होंने कैनेडियन ओपन टाइटल भी जीत लिया है ब्रिटिश ओपन टाइटल के बाद गाइस। तो देखिए इस साल इन्होंने बेसिकली 3 विक्ट्री करी है गाइस 2018 में, नाम याद रखिएगा डस्टिन जॉनसन। और गाइज ये वाली न्यूज तो मैंने ऐसी लगा दी थी बिकॉज ये जो है सील मुझे काफी अच्छा लग रहा था, देखिए कितने प्यार से बैठा हुआ है ये। तो गाइज ये बैठा कहाँ पर है, तो ये चीज भी क्वेश्चन शायद आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए हेलीगोलैंड आर्किपेलागो गाइज एक प्लेस है गाइज जर्मनी में, तो आपसे पूछा जा सकता है वेयर इज हेलीगोलैंड, तो यू शुड नो इट इज इन जर्मनी। तो हेलीगोलैंड कहाँ पर है, जर्मनी में है गाइज। तो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये सील, है ना, एंजॉय कर रहा है ये, धूप सेक रहा है, मतलब वेदर को एंजॉय कर रहा है ये। राइट,
तो कितना बढ़िया लग रहा है। और गाइज देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल है वो खत्म हो गया है गाइज। और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल जैसा लगा हो उस हिसाब से आप रेटिंग जरूर दीजिएगा, बुरा लगा हो तो बैठ दीजिएगा, उसके साथ गाइज आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस प्रकार से मैं अपने ट्यूटोरियल को और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। इसके अलावा गाइज आप गुड, बेटर और बेस्ट नाम की रेटिंग जो है वो दे सकते हैं, और फीडबैक प्लीज जरूर दीजिएगा, रेटिंग और जरूर दीजिएगा गाइज, राइट। अब चलिए गाइज डिस्कशन कर लेते हैं, आपके अगर कुछ डाउट्स आए हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके उनके अगर कुछ डाउट्स आए हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए प्रियंका यादव जी ने बोला था, प्रियंका मैम ने बेसिकली रेप विक्टिम्स को लेकर बेसिकली अपना सुझाव दिया है, तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। अभी क्या लाइव सेशन के बाद जो है वो जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं वो नहीं देख पाएंगे, या फिर काफ़ी लोग जो है वो लाइव सेशन ओपन नहीं करते हैं बाद में, तो आप अपना रिप्लाई जो है ये दीजिए, और आपका काफ़ी अच्छा रिप्लाई है, आपका ओपिनियन जो है वो काफ़ी अच्छा है। मैम देखिए डेथ सेंटेंस के बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डर जाएंगे, और अगर इस प्रकार की जैसे आप बोल रहे हैं किसी के पार्ट्स को अगर कट करके छोड़ दिया जाए तो ये बेसिकली इनह्यूमन भी होगा, बिकॉज उसकी ज़िंदगी नहीं ली गई और उसकी पूरी ज़िंदगी भर वो कुछ कर नहीं पाया, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स वाले बहुत नाटक करते हैं मैम, आप लोग को पता ही है, इवन डेथ पेनल्टी में भी काफ़ी नाटक करते हैं। तो मेरा ओपिनियन तो रहता है कि कम्प्लीटली डेथ मारो उन लोगों को, और मारने एक को मारोगे तो चार लोग एटलीस्ट ये रियलाइज करेंगे कि यार हम अगर इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, राइट। और लोग तो बहुत आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई मैम, किसी के हाथ काटोगे पैर काटोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो लगवा लेगा, और ऊपर से हैंडीकैप का कोटा भी वो यूज करके, और उसका फायदा ही होगा इसमें। तो आजकल लोग जो बहुत उस टाइप के हैं मैम, क्या बोले बस, बाकी तो रेप के खिलाफ जो है वो आवाज़ तो है इस प्रकार से उठानी चाहिए कि रेप विक्टिम्स को, जैसे कि मॉब लिंचिंग जो होती है आजकल, भीड़ जो है लोगों को मारती है, तो रेपिस्ट को ही मार देना चाहिए भीड़ को, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ भीड़ को सही डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। तो भीड़ जो है वो फेक न्यूज़ पे काम करती है, फेक न्यूज़ के कारण बेचारे लोगों की मौत हो जाती है, और भीड़ को क्या करनी है, अगर भीड़ में इतनी ताकत है तो भीड़ को जाके रेपिस्ट को जो है वो खत्म कर देना चाहिए, जैसे ही रेपिस्ट जो है वो बेल पे बाहर आया, भीड़ आई और भीड़ आके मार देना चाहिए रेपिस्ट को, ये भी एक बहुत अच्छा इशू है, मॉब लिंचिंग में एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल थिंग मैम देखिए क्या होता है, हम एक कंट्री में रह रहे हैं डेमोक्रेसी, जिसमें हर एक इंसान का एक हक होता है, इवन क्रिमिनल्स को भी हक दिया गया है हमारे यहाँ, बट एटलीस्ट इन केस ऑफ रेप विक्टिम्स ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मतलब उनको मौत की सजा जो है वो सुनानी चाहिए। चलिए गाइस फिर अब साइन ऑफ करते हैं हम लोग, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, उसको उसके लिए करना पड़ेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन गाइस, और उसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, एंड प्लीज डू लाइक इट गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो। और सेकंडली गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, एंड प्लीज ऑल्सो विजिट आवर ब्लॉग जो है www.knowledgehouse.co। तो गाइस इस ब्लॉग को जरूर विजिट करिएगा, यहाँ पर गाइस आप लोग को काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे टेस्ट सीरीज टाइप की, गाइस हम लोग ने एक चीज जो है वो आने वाले समय में लेके आने वाले हैं, और डेली क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को, तो काफी बढ़िया रहेगा गाइस, यहाँ पर भी आपको हमारी पीडीएफ मिलेगी, तो एक बार जरूर जाइएगा हमारे ब्लॉग को जरूर देखिएगा गाइस। तो चलिए गाइस साइन ऑफ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।